आज के व्लॉग में हम बात करेंगे गिम्बल की। गिम्बल क्या होता है और इसे क्यों यूज करते हैं। गिम्बल जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके यूज के लिए होता है, जैसे कि फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, यूट्यूबर के लिए भी गिम्बल लेना जरूरी होता है। क्योंकि हम जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं हिलूंगा तो मेरा हाथ हिल जाएगा, तो वीडियो जरा शेकी सी आती है। पर जब गिम्बल होगा तो आप यूँ मूव करेंगे तो आपका हाथ बिल्कुल मूव नहीं होगा और वीडियो बिल्कुल स्मूथ आएगी। तो मैंने काफ़ी सर्चिंग की इसके बारे में यूट्यूब के ऊपर देख, तो ऑलमोस्ट एक वीक लगा मुझे गिम्बल ढूंढने में कि मेरे लिए कौन सा गिम्बल बेस्ट है। क्योंकि मैं आईफोन से भी व्लॉगिंग करता हूँ तो आईफोन जरा वेट में थोड़ा हैवी होता है। तो आम मोबाइल तो दूसरे गिम हर किसी गिम्बल पे आ जाते हैं, पर जो आईफोन है उसका वेट कोई कोई गिम्बल उठा सकते हैं। तो काफ़ी सर्चिंग के बाद मेरे पास दो ऑप्शन आई, एक DJI का OM5 और एक मेरे पास आया मोजा MX2। तो जो मेरी रेंज थी, मेरी रेंज के हिसाब से मुझे मोजा MX2 जो था वो काफी सूट किया, क्योंकि जो DJI का OM5 था उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 30,000 प्लस थी और जो मोजा का MX2 था उसकी प्राइस मेरी रेंज के अंदर। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मोजा MX2 लेता हूँ। तो ऑनलाइन मुझे कोई ट्रस्ट नहीं था किसी पे, मैंने सोचा कि कॉपी भी आ सकती है, कुछ हो सकता है। तो मैंने सोचा मार्केट चलते हैं, वहां पर जाके लेते हैं। आपको दिखाता हूँ कि मैं मार्केट गया और कैसे मोजा MX2 लेके आया और किस प्राइस में लाया, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। Told myself that pushing never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours. Do it. तो हम पहुंच चुके हैं अपना पहला गिम्बल लेने के लिए। जी तो ये भाई से आप पूछते हैं, पूछ के आपको बताते हैं कि कौन कौन से गिम्बल हैं और किस प्राइस पे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या है भाई, कौन कौन से गिम्बल पड़े हुए हैं? मेरे पास सारे गिम्बल अवेलेबल हैं, ज़ियोन में भी अवेलेबल है, मोजा में भी अवेलेबल है। जैसे MX पड़ा हुआ है, इसके अलावा MX2 भी पड़ा हुआ है, Xiaomi में Q2 भी मिल जाएगा, Q3 भी। आईफोन के लिए बेहतर कौन सा रहेगा? आईफोन जनरली हैवी होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं, तो उनके लिए मोजा के अंदर मोबाइल के लिए टॉप ऑफ द लाइन गिम्बल है, बेस्ट चीज है। और दिखाइएगा जरा मोजा MX2 कौन से वाला। ये मोजा MX2 है, इसकी क्या प्राइस है भाई? आपको मिल जाएगा 13,500 रुपए में। और इसमें फीचर्स क्या है? ये लेटेस्ट मॉडल आया अभी, लेटेस्ट है, 3x गिम्बल है, इंसेप्शन मोड होता है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग होती है, अनलिमिटेड 360 बैरल शॉट्स कर सकता है और कंप्लीट कॉम्बो पैक है इसमें, आपकी हर चीज अवेलेबल है। 2021 में आया, 22 में? 2022 में आया, 2022 में बिल्कुल लेटेस्ट है ये मोजा MX2 मिनी MX2। तो मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, ये तो सबसे अच्छी। खोले फिर इसे आप, ठीक है? तो रुको जरा, सबर करो। उमर नंबर प्लीज। वो तो लग जाएगी ना, वो तो इसी ना कीजिए, इसको पकड़ के पाएगा। लेकिन आपने हमसे लिए, लेकिन वो कंफ्यूजन ऑफ प्राइस है, वो आपकी गलती नहीं, हमारी मिस्टेक है। इसका तो ऐसे बिजली का ज़्यादा नहीं होता, आदि हो गया हूँ इसके। इसके लॉग आपने बड़े इतिहास से बोल लिया। शहबाज साहब आए हैं, शहबाज साहब कंपनी बल्कि ना कोई चीज़ चेंज ही कर देती है। जो मिनी एस है ना, वो आप ऐसे एक को पकड़े, इसको दोनों हाथों से आप पकड़ सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये तो आपने देखा, मैंने गिम्बल लिया, ये मैंने लिया है कैमरा मार्केट से जो कि निस्बत रोड पे है। और शॉप का आपको नाम बताता जाऊँ, ये कजाफी कैमरा के नाम से कोई शॉप है। तो वहाँ से मैंने अपना गिम्बल लिया और इसकी प्राइस 13,500 रुपया थी।
तो अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।